मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडे ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत हसनगंज गांव के कार्ड धारकों ने राशन डीलर के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके चलते कार्ड धारकों की शिकायत का संज्ञान लेते हुए आज रामवीर सिंह ठाकुर राशन डीलर की दुकान की एआरओ अधिकारी जांच करने पहुंचे। घंटों तक राशन डीलर रामवीर सिंह की राशन की दुकान की जांच की गई। जांच के दौरान शिकायतकर्ता कार्ड धारक भी एआरओ अधिकारी के पास पहुंचे और राशन डीलर का विरोध करने लगे और दुकान को निरस्त कराने की कार्ड धारकों ने पहुंचे अधिकारियों से मांग की। कार्ड धारकों का कहना है कि राशन डीलर अपनी मनमानी करता है और पर यूनिट पर 3 किलो गल्ला देता है, पर कई कार्ड धारकों के राशन डीलर रंजिश के चलते कार्ड भी कटवा चुका है। सभी कार्ड धारकों ने राशन डीलर के खिलाफ विरोध जताते हुए दुकान को निरस्त कराने की मांग की। क्या मामला, कौन अधिकारी आए थे यहाँ पर? आज अधिकारी आए थे जांच करने वाले। फिर क्या हुआ? फिर का जांच करके ले गए थे, अभी कुछ नहीं हुआ जांच में। अब जो है गल्ला देते थे ये 3 किलो यूनिट पे, हमने जांच भेजी थी, जांच कराई थी, तो कह रहा है 5 दिन को गोली मार दूंगा, धमकी दे रहा है मारने की। कौन? रामवीर सिंह डीलर। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने प्रधान से शिकायत करी। आपका कार्ड है बना हुआ? कार्ड मेरा बना हुआ था। आप खुद कह रहे हैं मैंने कटवाया है, खुद कह रहे हैं मैंने कटवाया है। कौन कह रहे हैं? रामवीर सिंह कह रहा है मैंने कटवाया है डीलर, कि मैंने कटवाया जो तुम सब कर ले। कितनी जनता होगी जो कार्ड बने हुए हैं उन्हें गल्ला नहीं मिलता होगा? कितने लोग होंगे आपके गाँव में? कम से कम हमारे यहाँ होंगे कम से कम 200 आदमी। 200? गल्ला नहीं मिलता। वोटिंग कितनी है गाँव की? वोटिंग तो 1000 है लगभग। 1000? हाँ, 1000 है। आप क्या चाहते हो? आप, हम ये चाहते हैं दूसरा डीलर बनना चाहिए, इस डीलर को चेंज करा जाए, पब्लिक को गल्ला मिलना चाहिए, पब्लिक जो सही रहेगी, जिनके कार्ड है उनके कार्ड बनने चाहिए। मेरा नाम रामवीर सिंह है। क्या मामला है? ये राशन डीलर हूँ मैं, कुछ यूनिट कट गए, कार्ड भी कट गए, तो जनता कुछ जो जिनके कार्ड कट गए वो विपक्ष में है, जिनके कार्ड हैं वो ठीक है, तो जो कार्ड कटे हुए वाले ज़्यादा वो अकला रहे हैं, मैं लगा पड़ा हूँ तो वो चढ़ा ना रहे हैं दफ्तर वाले। जाँच में कौन आया था? जाँच में एआरओ साहब आए थे हमारे। जाँच में क्या पाया? जाँच में ये पाया गया जो उनने राशन लिया सही बोला सही पाया गया। जो आप इस खिलाफ जो नारेबाजी कर रहे हैं, उनके राशन कार्ड भी ना है? नहीं, कुछ के राशन कार्ड हैं, उनके यूनिट कट गए। उनके यूनिट कट गए और कुछ के राशन कार्ड ना है, कम से कम ना 10% से ज़्यादा राशन कार्ड नहीं। वो तो आरोप लगा रहे हैं ना आपके ऊपर। आरोप ये लगा रहा है कि डीलर ने राशन कार्ड कटवा दे। डीलर को राशन कार्ड कटवाने से क्या मिलता है? जितना कार्ड होगा उतना ही फायदा होगा उसे, कार्ड तो नुकसान होते कटवाने से। अच्छा, आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि इसकी निष्पक्ष, हाँ, आरओ साहब जो आए थे, आरओ साहब जो आए निष्पक्ष वो होनी चाहिए, निष्पक्ष। और अंगूठा लगा के लेके आ रहे हैं खुद। जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं उन आरोपों को किस तरह मानते हैं? मैं फर्जी मानता हूँ, झूठे आरोप। कौन सा नाम है? हसनगंज के लिए आए तो किस चीज की जांच थी आज? जांच की बुआई की जांच है कि जो गल्ला ना मिलता है। कितना गल्ला मिलता है? गल्ला मिलता है 3 किलो गल्ला मिलेगा, तो आपका बिल्कुल ही ना मिल रहा है। तो क्या चाहते हो आप? आप जो चाहते हैं हमारा कार्ड बने और हमारा गल्ला मिले। कार्ड बना हुआ है आपका? कार्ड है वो कटवा दो। किसने कटवा दिया? इन्हें डीलर ने कटवा दो। अब कोई यूनिट है आपका? यूनिट तो अब तो बिल्कुल ही नंगा है, बिल्कुल ही नंगा है। हाँ, कब से गल्ला नहीं मिला आपको? हमें गल्ला ना मिला कई महीने है गए। फिर भी कितने? 6 महीने है गए। 6 महीने।